लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौसा में टीएमसी शौचालय की एक तरफ जहां बनाने की मांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के जो बने हुए शौचालय हैं उन्हें तोड़ने का काम शुरू किया गया है। हालांकि टीएमसी द्वारा जो शौचालय बने हुए हैं उन्हें जो तोड़ने का काम शुरू किया गया है, इसके खिलाफ जो है स्थानीय समाज सेवक देवेंद्र तिड़कैया, रविंद्र जाधव और संतोष भाले राव ने ऐतराज जताया है। इन लोगों का कहना है कि आखिर ये जो शौचालय टीएमसी द्वारा बनाए गए थे इन्हें आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है। बहरहाल अभी सम्राट नगर में दो शौचालय जो है तोड़े गए हैं। इन समाज सेवकों का कहना है कि करीब 8 से 10 साल पहले ये शौचालय बनाए गए थे, मगर अब कुछ दिनों से ये शौचालय बंद पड़े हुए थे और मनपा को चाहिए था कि इन शौचालय को दुरुस्त करके फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि हर किसी के घर में शौचालय नहीं बने हुए हैं। समाज सेवकों की ये भी कहना है कि आम लोगों के लिए इन शौचालय को बनाकर लोगों के लिए फिर से शुरू किया जाए। अगर ये शौचालय वाकई में मनपा तोड़ रही है तो यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, इसकी जानकारी मनपा को देना चाहिए। वहीं इस शौचालय के मुद्दे पर जब हमने मुमरा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त सागर सालुंखे से बात की तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया, मगर मौखिक जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुमरा में 11 टीएमसी के शौचालय जो सम्राट नगर, हनुमान नगर, ठाकुरपाड़ा, बॉम्बे कॉलोनी ऐसे अन्य जगहों पर बनाए गए थे और इन्हें पूरे प्रोसेस करने के बाद ही इन्हें तोड़ने का काम शुरू किया गया है, जिसमें सम्राट नगर में 2 शौचालय तोड़े गए हैं। क्योंकि ये जो 11 शौचालय हैं ये धोखादायक हो गए थे और बंद पड़े हुए थे। रही बात यहाँ शौचालय तोड़ने के बाद यहाँ इस जगह पर क्या बनाया जाएगा, अभी सागर चालुंखे ने बताया है कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों की जो मांग रहेगी उस हिसाब से यहाँ पर वो चीज़ बनाकर दिया जाएगा जो लोगों के काम आ सके, जैसे आंगनवाड़ी है, ऐसे और भी तमाम चीज़ें हैं जो लोग इस्तेमाल कर सके। स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि जो मांग करेंगे वो बनाकर दिया जाएगा। वही एक बात और आपको बता दें कि हनुमान नगर, सम्राट नगर, ठाकुरपाड़ा, इन गलियों में इतनी गंदगी है कि इमारतों के जो चैम्बर हैं उसका गंदा पानी निकल कर गलियों में बह रहा है और इसी गंदे पानी से छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं का और नमाजियों का यहाँ से आना जाना होता है। कहीं ना कहीं इसके ज़िम्मेदार यहाँ के रहने वाले लोग भी हैं, क्योंकि आप अगर ठाकुरपाड़ा से अंदर जाएंगे, ठाकुरपाड़ा की गली में जाएंगे, हनुमान नगर, सम्राट नगर तक जाएंगे, आपको कहीं भी जो है सूखा जमीन, गली नहीं मिलेगी। हर जगह से जो है इसी तरह से गंदा पानी गलियों में आपको बहता हुआ मिलेगा और उसी गली में इमारतों में रहने वाले लोग जो है कचरा जो है वो नालों में भी फेंकते हैं, नालों में भी इसी तरह से कचरा भरा हुआ है। हमारे इंटरव्यू लेने के दौरान जब हम देवेंद्र तिड़कैया से इस मुद्दे पर इंटरव्यू ले रहे थे उसी दौरान इमारत से किसी ने बटाटा फेंक दिया और आपको नालों की भी तस्वीर हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये नाले जो है बरसात के महीने में हमेशा साफ़ सफाई की जाती है, लेकिन इमारत में रहने वाले लोग जो है वो किस तरह से कचरा इन नालों में फेंक देते हैं और ये इसी तरह से ये नाला फिर भर जाता है और आने वाले बारिश में ये मुसीबत का कारण बन जाता है। स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी है, नगर सेवकों की भी जिम्मेदारी है कि साफ़ सफाई जो है इन गलियों में रहना चाहिए। जो लोग कचरा फेंकते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि कचरा वो इस तरह से ना फेंके और इमारतों के चैम्बर जो है वो उनका गंदा पानी निकल कर जिस तरह से बह रहा है उसे भी ठीक करना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल जिस तरह से शौचालय की मांग एक तरफ मुमरा शहर में बढ़ रही है और वहीं जो धोखादायक, जो मनपा अधिकारी ने बताया कि शौचालय धोखादायक थे, उन्हें 11 शौचालय जो है इसे तोड़े जाएंगे। जो समाज सेवक हैं इन लोगों ने क्या कुछ कहा है सुनिए।
परसों के दिन मैं भी यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा यहाँ एक लोखंड का गेट लगा हुआ था, ये जो है ना इसके अंदर एक ग्रिल लगी हुई थी, वो अचानक में कोई आता है और निकाल के ले जाता है। अब पता नहीं वो किसने निकाला है और कौन तोड़ रहा है इसको। अभी तक ऐसी कोई लोगों को या जनरल पब्लिक को अभी तक कोई सूचना मिली नहीं है। बराबर, ये मनपा शौचालय कितने साल पहले बना था? ये तकरीबन 9 से 10 साल पहले बना हुआ है और इसमें पहले लोग थे, देखभाल करते थे इसकी, लेकिन यहाँ कुछ ठीक तरीके से कोई मतलब ये नहीं था, पंचुअल नहीं था, तो धीरे 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 उसमें से लोग भी चले गए और सफाई वफाई कुछ होती नहीं है। यहाँ पे पानी की मोटर भी लगी हुई थी, वो भी चोरी हो गई, सारी चीज़ें चोरी हो गई। अब इसको तोड़ा जा रहा है लेकिन ये नहीं पता है कि कौन तोड़ रहा है। तो क्या मांग क्या करेंगे आप मनपा अधिकारियों से, क्या कहना चाहेंगे मुद्दे पर? मनपा अधिकारियों से मेरा कहना इतना ही है, अगर मनपा तोड़ रही है तो ठीक है, लेकिन क्यों तोड़ रही है? यहाँ के सारे लोग बिल्डिंग में नहीं रहते, कुछ लोगों जो हैं वो चालियों में रहते हैं, उनको आज भी ज़रूरत है। यहाँ से चलने वाली जो जनता है, आम पब्लिक, किसी के घर पर कोई मेहमान आता है उसको एमरजेंसी में कहीं जाना है, वॉशरूम के लिए जाना है, तो कहाँ जाएगा? तो इसको तोड़ा क्यों जा रहा है? और तोड़ा जा रहा है तो फिर यहाँ क्या बनने वाला है, क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या फिर शौचालय ही बनाया जाएगा या कुछ और बनाया जाएगा? वो पता होना चाहिए ना जनता को, तो पता हो, यहाँ की जो आम पब्लिक है उनको तो पता होना चाहिए। आपने इसके बारे में कुछ मनपा के अधिकारियों से पूछताछ की? कुछ नहीं, अभी ये 2-3 दिन से कार्यक्रम शुरू हुआ है। अच्छा, अभी तो मैंने देखा सम्राट नगर का शौचालय है वो तो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। हाँ, वो मैंने देखा, अभी बुलडोजर लगा के पूरा तोड़ दिया गया है। अभी इतनी डेयरिंग अगर कोई कर रहा है, अभी किसने किया है वो तो अभी पता नहीं, शायद मनपा ही तोड़ रही होगी। अगर ये लगा हुआ है, बुलडोजर लगाया गया है, तो मनपा ही तोड़ रही है। एक चीज़ और भी देखा जा रहा है यहाँ पर देवेंद्र भाई, कि पूरी गली यहाँ पर जो है पानी बह रहा है, गटर नाले का सब पानी बह रहा है। कहाँ से पानी आ रहा है, कैसे ये गंदा पानी आ रहा है? ये सारी जितनी भी बिल्डिंगें यहाँ बनी हुई हैं इनमें इनका रख रखाव ठीक से किया नहीं जाता है। चैम्बर्स जितने भी है खुले पड़े हुए हैं, उसमें से गटर ये हो जाता है, चौकअप हो जाता है पाइप, कोई इसकी सफाई करता नहीं है। ये देखो, अभी अपन खड़े वापस कचरा है, कोई सफाई करता नहीं है, ऐसा ही है चल रहा है। ये गलियां कहीं ना कहीं लोग भी इसके जिम्मेदार है। अभी सामने देखो कचरा बिल्डिंग से फेंक दिए, बिल्कुल बटाटा फेंके हैं बिल्डिंग से, है ना? तो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, जो गंदगी है, इस तरह के ऐसे पाइप फूटे हुए हैं, तो ये सब जो है लोग भी इसके जिम्मेदार हैं 100%। बिल्डिंगें हैं, उनको अपना चैम्बर भी सही कराना चाहिए, सही कराना चाहिए उनको। और सारे रास्ते, यानी यहाँ पे चलने की जगह नहीं है लोगों का, इतनी छोटी छोटी गलियाँ हैं। अगर तुम यहाँ से कभी गुजर जाते हो सफ़ेद कपड़े पहन के, कोई ना कोई ऊपर से कोई गुटखा थूकता है, कोई पान थूकता है, इतनी गंदगी है इधर। और इस इलाके में सिर्फ 5 साल में एक बार नगर सेवक, यहाँ 4-4 है लेकिन एक भी यहाँ पे आता नहीं है। सिर्फ वोटिंग का टाइम आता है, इलेक्शंस आते हैं जब भी वोट मांगने के लिए आते हैं, ताकि ये गंदगी 5-6 साल हमको इसी तरह झेलनी पड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविंद्र यादव। ये जो शौचालय यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर बनाया गया था ठाणे महानगर पालिका द्वारा, तो क्या वजह है जो इसे तोड़ा जा रहा है? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपके सामने तो अभी ये दिख रहा है, ये तोड़ रहे हैं। मुद्दा यह है कि यह शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है, और ये लोगों के टैक्स से यह बना हुआ है, मतलब यह जनता का पैसा है, जनता के पैसे से जनता के सुविधा के लिए यह बना दिया है। पिछले 10 साल से यहाँ ये शौचालय बना के खड़ा है, लेकिन ये 10 साल के अंदर इसकी जी मरम्मत या इसका जो स्वच्छता जो होना चाहिए महानगर पालिका के, तो वो हुआ नहीं है। वो ऐसे ही इसकी गंदगी इसके अंदर चलती रहती है। पहली बात ये है कि ये शौचालय पब्लिक के लिए है, सब लोग बिल्डिंग में रहते ऐसे नहीं है, कुछ लोग चाली में रहते हैं, वो चाली में रहने वाले लोग इसका वापर कर रहे हैं। फिर भी यह शौचालय पब्लिक के सुविधा के लिए है, पब्लिक के लिए है, पब्लिक शौचालय, फिर भी ये तोड़ा जा रहा है। इसका शौचालय बंद क्यों किया गया था, क्या वजह थी ऐसा? बंद किया नहीं है, इसका वापर तो हो रहा है, लेकिन इसका जो महानगर पालिका के थ्रू इसके कर्मचारी, इसकी साफ सफाई होना चाहिए, सही साफ सफाई नहीं के ध्यान नहीं दे रहे, तो किसकी जिम्मेदारी है? वो महानगर पालिका की। वो अगर महानगर पालिका शौचालय की सुविधा दे रही है तो उसका साफ सफाई रखना भी महानगर पालिका की जिम्मेदारी है, वो नहीं हुआ है। इसकी वजह से
या शौचालय का ये अलग है, आज के डेट में ये जो तोड़ा जा रहा है उसका रीज़न हमको पता नहीं है, वो क्यों तोड़ा जा रहा है। ये अगर ये तोड़ा जा रहा है अच्छे के लिए तोड़ा जाए, उसके वापस उसके ऊपर वापस नया अगर बनाया जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन वो तोड़ा जा रहा है उसका घर ऊपर अगर हो जाएगा तो उसको हम कानून से उसके हम पीछा करेंगे। कि जो शौचालय है पब्लिक के सुविधा के लिए है, पब्लिक के लिए है और पब्लिक के पैसे से टैक्स से वो बना हुआ है, महानगर पालिका लाखों रुपए इसके ऊपर खर्चा हुआ है। और वो ऐसा ही अगर खर्चा रहो महानगर पालिका लाखों रुपए खर्चा करेगी, बाद में 3-4-5-10 साल में वो तोड़ेगी तो नुकसान महानगर पालिका है, महानगर पालिका का नुकसान हो जनता का नुकसान है। मेरा नाम संतोष भालेराव, मैं मुमरा का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और अभी ये जो हम लोग यहाँ खड़े हैं वो सम्राट नगर परिसर में हम लोग खड़े हैं और यहाँ देख रहे संडास बाथरूम जिला के लोग क्या करने वाले हैं TMC और क्या नहीं है, इसकी किसी को कोई खबर नहीं, सूचना नहीं है और क्या होने वाला है ये भी लोग बता रहे नहीं है। नगर सेवक को उनको कुछ पता है या नहीं है या लोगों को सूचित किया है या नहीं है वो भी लोग पता नहीं है। तो TMC ने सारे लोगों का संडास बाथरूम का पूरा मसला है, यह सब स्लम झोपड़पट्टी वाले और मिडिल क्लास और लो क्लास लोगों का मसला क्या है, बाथरूम टॉयलेट को लोग औरत लोग लेडीज लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ इतना सारा मसला है तो इसका कुछ तो TMC ने ऑर्डर कॉपी या कुछ तो हमको बताए कि क्या इधर बनाने वाले क्या है, इन लोग का क्या मकसद क्या है, इसके पीछे तोड़ के नया बनाना है या और कुछ उधर बनने वाला है या कुछ क्या होने वाला क्या है, ये सवाल है बस।